गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। सोचेगा जो कंप्यूटर बुक फिफ्थ क्लास कंप्यूटर बुक एंड ऊपर पेज नंबर 15 एक्सप्लोर योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को जानिए कि उसमें क्या क्या है, कैसे करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो चलिए जानते हैं, इंट्रोडक्शन में है। एज यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए माइक इसमें क्या है, बिना सॉफ्टवेयर के तो सिस्टम चलेगा नहीं, यानी कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि कंप्यूटर चलता है, ठीक है। इट इज़ एन एसेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर टू वर्क ऑन। ये बहुत ही ज़रूरी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर्स के लिए, ठीक। कुछ बेसिक चीज़ें हो जाती हैं तो ये बेसिक चीज़ों में से है, फिर उसके बाद में आप कुछ भी डाउनलोड कर लीजिए, अपलोड कीजिए, वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, या उसको अपने हिसाब से बनाइए, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन बेसिक में क्या होता है, बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट MS विंडो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी से ही आप कुछ भी उसका बेसिक जो चीज़ है वो वही होता है। चलिए नेक्स्ट। इन मोस्ट इट प्रोवाइड्स विंडो बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या कहते हैं, GUI आपको प्रोवाइड करता है। यू कैन एक्सप्लोर योर कंप्यूटर विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर विंडो। आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से देख सकते हैं, कंप्यूटर विंडो की हेल्प से। देखिए इसमें माई कंप्यूटर इन विंडो XP भी दिया हुआ है, कंप्यूटर इन विंडो 7 दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों में देखना होगा, ठीक है। कंप्यूटर विंडो में क्या होता है, द कंप्यूटर विंडो इज यूज टू व्यू द फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर इन द हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, पेन ड्राइव, अदर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर विंडो में क्या होता है, क्या क्या यूज होता है, फाइल्स होती है, फोल्डर्स है, और इसका और ये सब कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, CD में, पेन ड्राइव, और भी जो स्टोरेज की डिवाइसेज होती हैं उन सब, ठीक है। और कंप्यूटर विंडो में क्या क्या होता है, इसके 5 पार्ट हैं, सर्च बॉक्स, डिटेल सेक्शन, एक्सप्लोरर बार, एड्रेस बार, वर्किंग एरिया, ठीक है, ये सारे होते हैं। सर्च बार में आप क्या कर सकते हैं, सर्च बार में आपको जो भी फाइल ढूंढनी है या फोल्डर ढूंढना है तो आप उसमें उसका नाम डाल दीजिए सर्च बार में, और वहाँ पे से आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे जाइए वहाँ पे जाइए, तो उसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च बार में डाल दीजिए आ जाएगा। एक्सप्लोरर बार में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वर्किंग एरिया में आपको जो भी काम करना हो काम हो जाएगा, डिटेल सेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या क्या डिटेल्स हैं किसी भी चीज़ की, एड्रेस बार में आप एड्रेस डाल दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है। द सर्च बॉक्स इज यूज टू सर्च द कंटेंट लाइक फाइल और फोल्डर। सर्च बॉक्स में क्या होता है, आपको अगर फोल्डर या कोई फाइल वगैरह ढूंढनी है तो आप उसको उसमें पुट कर दीजिए उसका नाम और आपको वो मिल जाएगा। द एक्सप्लोरर बार इज नोन एज लेफ्ट पैन और वर्किंग एरिया इज ऑल्सो एज राइट पैन। यूजिंग दिस पैंस यूज यू कैन एक्सेस योर कंप्यूटर। एक्सप्लोरर बार से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोरर बार लेफ्ट पैन और वर्किंग एरिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्किंग एरिया में आप क्या करते हैं, वर्किंग एरिया कंटेन्स आइकन्स रिप्रेजेंटिंग द ड्राइव इन द सिस्टम। देखिए वर्किंग एरिया में क्या है, कुछ ड्राइव होते हैं कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, इस तरीके से ड्राइव होती हैं, तो वो आप उसमें क्या क्या स्टोर वगैरह है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब उसमें आपका आ जाता है। डिटेल सेक्शन में क्या है, डिटेल सेक्शन शोज द कंटेंट ऑफ ड्राइवर, ड्राइव एंड फोल्डर। डिटेल सेक्शन में जो कंटेंट है या फिर उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, क्या फाइल है, वो उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। एड्रेस बार में क्या होता है, डिस्प्ले द पाथ ऑफ करेंट फाइल और फोल्डर। डिस्प्ले द पाथ, आपको देखिए जब भी आप कहीं पे मान लीजिए आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, फिर कहीं आइकन पे क्लिक करते हैं, या आप डिस्क में लोकल डिस्क वगैरह जो होता है डी में, ड्राइव डी में जाते हैं, फिर उसमें से आप किसी और में जाते हैं, फिर उसमें से किसी और फाइल में जाते हैं, तो ऊपर में एक एड्रेस बार आता है। एड्रेस बार में क्या होता है कि आपका आएगा कंप्यूटर, फिर उसके बाद आप कौन सी फाइल में गए, फिर उसके बाद कौन सी फाइल में गए, फिर कौन सी फाइल में, वो क्या होता है एड्रेस बार, वो सारा आपको बताता है कि आप कहाँ पे गए हैं और आप कहाँ पर पहुँच गए हैं, ठीक है, वो आ जाता है आपका एड्रेस बार। आपको देखिए इस पिक में आपको दिख भी रहा है, ये सारा यहाँ पर आपका आ जाता है एड्रेस बार, यहाँ पर आपका आ जाता है सर्च बार, ये होता है आपका एक्सप्लोरर, लोकल डिस्क, ऑफिशियल, ये सब, ये आपका क्या है वर्किंग एरिया, और यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाती हैं कि क्या क्या डिटेल्स है, कितने MB का है, कितने JB का है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिस्टम फोल्डर। सिस्टम फोल्डर्स में क्या होता है, द फोल्डर्स डॉक्यूमेंट्स पिक्चर म्यूजिक एंड वीडियोज आर अवेलेबल इन द हार्ड डिस्क। सिस्टम फोल्डर्स में क्या क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पिक्चर है, म्यूजिक है, वीडियोज, ये आपको हार्ड डिस्क में मिल जाता है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर बाय डिफॉल्ट स्टोर इन डॉक्यूमेंट्स।
जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होते हैं। इसी तरीके से पिक्चर, म्यूजिक, रिसेंट, ये भी आपका बाय डिफॉल्ट होता है, आप उसके अंदर कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड नहीं हो सकता, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं ना म्यूजिक वगैरह। और रिसेंट प्लेसेस में क्या होता है, रिसेंट प्लेसेस में आपका क्या होता है कि आप जहाँ आपने कौन कौन सी फाइल में गए, कौन कौन से फोल्डर में गए हाल ही में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं फाइल में गए हैं, किसी फाइल में आप इस तरीके से गए, उसके बाद में आपको कुछ काम आ गया, बीच में छोड़ के चले गए, फिर से सिस्टम को आपने देखा, तो आप क्या करेंगे, रिसेंट प्लेसेस में जाएंगे और आप देखेंगे हम कहाँ पे गया था, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तो आप उस फाइल या फोल्डर में डायरेक्टली जा सकते हैं। आपको फिर एक एक चीज़ को एक एक कदम नहीं वो करना पड़ेगा, सीधा आप जंप करके उसमें जाएंगे, ठीक है। नेटवर्क ऑप्शन, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 17। नेटवर्क ऑप्शन में क्या होता है, एक जो पीसी है वो दूसरे और भी कंप्यूटर से, यानी कि एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑप्शन। हेल्प एंड सपोर्ट फीचर, हेल्प एंड सपोर्ट फीचर्स में आपको क्या होता है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इसके अंदर आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली F1 की प्रेस कीजिए और अपना आप बताइए कि आपको क्या हेल्प चाहिए, तो वो आपको आ जाएगा। सर्च फीचर, सर्च फीचर में क्या है, तो सर्च फॉर अ फाइल, अगर आपको कोई फाइल सर्च करनी है तो लाइक द स्टार्ट बटन जहाँ पे आता है वहीं पे क्या आता है, सर्च बटन। टाइप द फाइल एंड फोल्डर नेम इन सर्च टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस एंटर बटन। जब भी आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, आप जो स्टार्ट बटन के साइड में पास में ही क्या होता है, सर्च बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी जिस भी फाइल का नाम है, जो भी फाइल आपको चाहिए उसका नाम उसमें पुट कर दीजिए और एंटर बटन कर दीजिए, आपका वो आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, रीनेम ड्राइव एंड कंप्यूटर। अब कोई भी ड्राइव है या फाइल है या फोल्डर है, आप उसका को रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में ऑप्शंस आ जाएंगे ओपन, न्यू वगैरह करके, उसमें रीनेम भी होता है, तो रीनेम में क्लिक कर दीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद आप जो भी नाम उसमें डालना चाहते हैं उसको कीबोर्ड की सहायता से उसमें अपना जो भी नाम डालना चाहते हैं वो नाम डाल दीजिए और फिर उसको ओके कर दीजिए, हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो F2 की जो की है कीबोर्ड में उसको प्रेस कीजिए, डायरेक्टली आपका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसमें रीनेम कर सकते हैं। चलिए देखिए ये वाला काम है आपका, ये आपको कॉपी में करना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, माय कंप्यूटर ऑप्शन इज नोन एज कंप्यूटर इन इट, ठीक है। नेक्स्ट, द वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विंडो आर सर्च बॉक्स, एड्रेस बार, टूल बार, एक्सप्लोरर बार एंड डिटेल सेक्शन, ये सारे इसमें क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, कंप्यूटर विंडो के पार्ट होते हैं। नंबर 3, सम ऑफ द पॉपुलर सिस्टम फोल्डर्स आर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस एंड रिसेंट प्लेसेस एक्सेट्रा। कुछ पॉपुलर फोल्डर क्या है, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, म्यूजिक है, सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, अगर हम सिस्टम पे कोई काम कर रहे होते हैं तो हम म्यूजिक भी चला लेते हैं, पिक्चर्स भी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा यही पॉपुलर आपके फोल्डर्स होते हैं। नंबर 4, द नेटवर्क ऑप्शन इज यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू टू व्यू द ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद अ कंप्यूटर। नेटवर्क ऑप्शन से क्या होता है, जिस भी आपका जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है वो आपको पता चल जाता है कि इससे कनेक्ट है क्या। नंबर 5, द हेल्प एंड सपोर्ट फीचर प्रोवाइड हेल्प एंड असिस्टेंस टू कंप्यूटर यूजर्स, ठीक है। तो हेल्प एंड सपोर्ट से आपको क्या होता है, ये आपको असिस्ट करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर में भी कोई अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है या कुछ हेल्प चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाए। चलिए यहाँ पर हमारा ये फिनिश हो जाता है सेकंड चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चिल्ड्रन बाय एंड टेक केयर।